दोस्तों, हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमारे डायल से हम जो हमारा जॉब है उसके आईडी का हम सेंटर कैसे निकालते हैं और सेंटर निकाल के उसका हम वर्क ऑफसेट कैसे लेते हैं, ये हम हमारे वीडियो में आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने होल्डर में डायल लगाया है और हमें इस आईडी का हमें सेंटर फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे चलो हम देखते हैं। अभी अभी पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डायल है वो नीचे लेंगे और होल में डालेंगे ये वाले, और हम क्या करेंगे अभी पहले एक्स का हम सेंटर फाइंड कर रहे हैं। अभी हमने डायल को घुमा लिया है इस तरह से, अभी हम हायर पॉइंट पे प्रेशर देंगे। प्रेशर देके हम हायर पॉइंट पहले सर्च करेंगे कहाँ पे है, तो प्रेशर दिया है। अभी हम डायल का जो हमारा जो होल्डर है वो घुमा के देखेंगे हम हायर पॉइंट कहाँ पे मिलता है। अभी यहाँ पे थोड़ा हायर है, हम प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, अभी यहाँ पे 0 पॉइंट मिल चुका है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 0 है, एब्सोल्यूट 0 है यहाँ पे। अभी ये हमारा हमें हायर पॉइंट मिल चुका है, दोनों तरफ लोअर है, एक ही जगह पे हायर दिखा रहा है, तो ये हमारा अभी हायर पॉइंट है। अभी हम इसे हमारे मशीन के रिलेटिव पोजिशन में हम 0 करेंगे पहले। अभी हम मशीन के रिलेटिव पोजिशन में एक्स को 0 करेंगे पहले, ये किया x0। अभी हमने मशीन के रिलेटिव में 0 किया है। अभी हम डायल ऊपर उठा के क्या करेंगे, इधर दूसरी तरफ ट्रैवल करेंगे, हम इधर आ चुके हैं। अभी ये घुमाएंगे इसको ये साइड में, अभी हम ये साइड पे आ चुके हैं दोस्तों। अभी इधर हम हायर पॉइंट सर्च करेंगे डायल से, अभी हमारा 0 पॉइंट में मिल चुका है। अभी हायर पॉइंट है के चेक करेंगे डायल घुमा के, हम तो देख रहे हैं थोड़ा सा अभी 0.5+ है, पीछे लेंगे, पीछे लिया है। अभी अभी 0.2+ दिखाई दे रहा है, हाँ अभी 0.0 है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये 0.0 पे हमारा हायर पॉइंट है। ओके, तो अभी हम मशीन के रिलेटिव पोजीशन में जाके देखेंगे कि मशीन के रिलेटिव में कितना दिखाई दे रहा है, तो उसका हम हाफ करके ट्रैवल करेंगे। अभी मशीन के रिलेटिव में दिखा रहा है 100.36, तो इसका हाफ होता है 50.18, तो हम उतना हाफ ट्रैवल करेंगे पहले। हम ट्रैवल कर रहे हैं 50.18, तो हमने अभी ट्रैवल किया है 50.18 जो हाफ हो चुका है। तो अभी हम इसे मशीन में इजी सेटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो एक्स है वो 0 हो जाए। अभी हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाके G54 में एक्स को हम क्या करेंगे, इजी सेटिंग करेंगे। मतलब अभी ये हो चुका है हमारा x0, तो यहाँ पे देखिए एक्स का 1072 है, यहाँ पे 1072.13, यहाँ पे 13, तो कुछ इस तरह से हमने एक्स को 0 किया है। तो दोस्तों हमने इस तरह से एक्स एक्सिस का हमने ऑफसेट ले लिया है आईडी का। अभी वाई को भी सेम प्रोसेस करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे टच करेंगे, और यहाँ पे टच करने के बाद क्या करेंगे, हम मशीन के रिलेटिव में जाके 0 करेंगे। उसके बाद में हम डायल को घुमाएंगे पीछे की साइड में और ये साइड में टच करेंगे, उसका हाफ आएंगे और उसे क्या करेंगे, हम 0 करेंगे, इजी सेटिंग करेंगे उसकी। तो इस तरह से हम वाई का भी ऑफसेट ले सकते हैं। जैसे हमने एक्स का लिया है सेम वैसे आप ट्रैवल करके वाई का यहाँ पे टच करके ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े आईडी का हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं, उसका वर्क ऑफसेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं वीएम सीएनसी का स्टडी करने वाले उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।